हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फोकस्ड होकर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को यहाँ होलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। स्टार्ट करते हैं डेली की तरह आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। राइट, आप अपनी आदतें ठीक कर सकते हैं और आपकी आदतें जो होंगी वो आपका फ्यूचर ठीक करेंगी। हमारी छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, वही हमारा फ्यूचर ठीक करती है, वही हमें सक्सेस के रास्ते पे ले जाती है। आज है 24 अक्टूबर, दिन मंगलवार। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखते हैं इंडेक्स क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड फ्रॉम फर्न, एवियन इन्फ्लुएंजा एंटार्क्टिका में फर्स्ट केस इसका पाया गया है पढ़ेंगे, नेशनल कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट लिमिटेड एक न्यूली क्रिएटेड बॉडी है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ये देखेंगे, अनुसूचित जाति ये जो योजना है क्या है क्यों है, एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति ये इंडियन एंड मलेशियन आर्मी के बीच एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है ये पढ़ेंगे, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है और वन डे एग्ज़ाम में भी आता है। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, और 3 में भी इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इकोनॉमी से लिंक करके। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, स्टडी डिस्कवर्स फर्न कैन प्रोड्यूस क्रॉप सेविंग इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड जहाँ पे इतने केमिकल्स यूज़ होते हैं वहीं अगर प्लांट से लिया गया फर्न यूज़ करेंगे, वो प्रोटीन यूज़ करेंगे जो वो इनटेक इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो काफ़ी केमिकल्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि इंसेक्टिसाइड किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप, वो जहाँ पे क्रॉप्स होंगी, जहाँ पे फसलें होंगी, फल फ्रूट होंगे, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड डाला ही जाएगा। अब वो अगर बायोलॉजिकल सोर्सेस से लिया जा रहा है तो दिक्कत नहीं करेगा उतने जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं। अ न्यू स्टडी हैज़ आइडेंटिफाइड नोवल इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इन फर्न्स, ठीक है, ये इसेंशियल है ग्लोबल फूड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंसेक्ट्स की वजह से भी हमारी जो फसलें होती हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। अब ये वाले प्रोटीन प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कैटरपिलर से। ये ऐसे होते हैं कैटरपिलर्स जो पत्तियों को खाते चले जाते हैं, पत्तियों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ दीज प्रोटीन्स बाय कोर्टेवा एग्री साइंस होल्ड्स प्रॉमिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टूल्स टू कम्बैट इंसेक्ट पेस्ट दैट थ्रेट इन फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। फाइबर प्रोडक्शन कॉटन प्लांट्स पे लग जाना, जूट के प्लांट्स पे लग जाना, उससे भी नुकसान करते हैं कैटरपिलर्स, राइट, और फूड प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब कैटरपिलर्स को हटाना अब इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज फर्न प्रोड्यूसिंग से इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसेक्टिसाइड कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम यूजिंग प्रोटीन ऑफ फर्न, वहाँ पे इतना सोचना नहीं है कि पता नहीं फ़ोन से बनता होगा कि नहीं, अभी तक तो नहीं सुना कहीं, ठीक है, वहाँ पे आँख बंद करके हाँ कर देना है, क्योंकि फ़ोन से आप तो खैर आपने पढ़ ही लिया है, बट अगर नहीं भी है तो इतनी बड़ी रिसर्च इतनी बड़ी रिसर्च टीम हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है, तो हो सकता है कि फ़ोन से इंसेक्टिसाइड बना दिया गया हो, ठीक है। फर्स्ट कन्फर्म्ड केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन द एंटार्क्टिक रीजन, यहाँ पे इस बर्ड को सुकू नाम दिया गया है, इस बर्ड पे एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया है इन बर्ड्स पे, ठीक है, ये फर्स्ट केस है अभी एवियन इन्फ्लुएंजा का। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड आइलैंड साउथ जॉर्जिया में एंटार्क्टिक का पहला केस है। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ये टाइप
ए वायरस होता है इनमें, ठीक है, टाइप ए वायरस लाइक दिस। ये बर्ड्स को तो इन्फेक्ट करते हैं वायरस, राइट। अब बर्ड्स के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई ह्यूमन चला जाएगा ना, तो ये मैमल्स को भी ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर देंगे। बट ये रेयरली स्प्रेड होते हैं बिटवीन मैमल्स, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड इसका इतना नहीं है। एवियन इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, एवियन इन्फ्लुएंजा कैन बी पास टू अ पर्सन हु हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक बर्ड, राइट। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनकी जो फ्लूइड्स होता है बर्ड से, राइट, उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही। बट ये रेयरली फैलता है बिटवीन मैमल्स, अदर लोगों को बहुत कम फैलेगा। अब ये नुकसान पहुँचा रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री को, ठीक है। अब एंटार्क्टिका में अगर फर्स्ट केस मिल रहा है, इसका मतलब अब ये चीज़ वहाँ पे भी फैलेगी, फैलेगी मतलब वहाँ के बर्ड्स और स्पीशीज़ को नुकसान होगा, मतलब बायोडाइवर्सिटी खतरे में। इन 2019 इंडिया को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था एवियन इन्फ्लुएंजा से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। बट 2020 और 21 में इसका आउटब्रेक फिर से हो गया। इसने 15 स्टेट्स, हमारे भारत के 15 राज्यों में इसने नुकसान पहुंचाया। ट्रीटमेंट देखते हैं, इसको ट्रीट किया जा सकता है एंट्रीवायरल ड्रग से, बट अभी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बाकी है। कंसर्न्स वही फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं लाइक जो चिकन्स हो गए, हेंस हो गई, राइट, इन्हें भी एवियन इन्फ्लुएंजा के कब्ज़े में आ गए थे ये लोग, राइट। अब ये वो चीज़ भी नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। वैक्सीन सिक्योरिटी पोल्ट्री इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़नी ज़रूरी है कि टाइप ए वायरस के द्वारा होता है, बर्ड से ह्यूमन में फैल सकता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैल सकता है, बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, फार्मर्स विल गेट 50% ऑफ प्रॉफिट थ्रू कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट बॉडी। एक न्यूली क्रिएटेड बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है कोऑपरेटिव नेशनल एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसे 7,000 करोड़ मिला है, ठीक है, मतलब रिसीव हुए हैं इसमें ऑर्डर्स। अब ये बॉडी क्यों बनाई गई है? कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे देश में बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं लाइक फार्मर्स, जिन्हें उनके रेमुनरेटिव प्राइजेस नहीं मिलते, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव का योगदान रहता है। अब इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि 50% ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो किसानों को जाएगा, राइट। अब किसानों को फ़ायदा होगा इससे, और किसानों के जो प्रोड्यूसेस हैं वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी पहुंच बन पाएगी इस कोऑपरेटिव नेशनल एक्सपोर्ट लिमिटेड की वजह से, ठीक है। जो फ़ायदा होगा वो उनकी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जो रजिस्टर की गई है अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। ये कवर करता है एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर के आसपास के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कहते हैं एलाइड एक्टिविटीज़। और इसका टारगेट क्या है? डबल करना है रेवेन्यू 2025 तक। फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग द सरप्लस, यानी कि जो सरप्लस हो रहा है उसे इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या करना है, एक्सपोर्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अब मीन्स रिलेटेड हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव हमारे देश में एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है, ठीक है, हमारे कंट्री को विकास करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 10 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, ऑफ विच 1.5 लाख आर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स। ये इसमें पोटेंशियल है कि ग्रोथ करे,
फॉर्मुलाइज करें इकोनॉमी। फॉर्मलाइजेशन आपको पता होगा, फॉर्मल सिस्टम में लेके आना, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी अभी भी अराउंड 80% ऑफ जो हमारी इकोनॉमी है वो अभी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्कर्स को उतना राइट नहीं, वर्कर्स की डिमांड्स फुलफिल नहीं, उतनी वेजेस नहीं, ठीक है। और ना टैक्सेशन, और रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटी, ऐसा कोऑपरेटिव्स का पोटेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स को बढ़ाने की नीड क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में एक थोड़े कॉन्ट्रोवर्सीज ही हो रही है कि बाकी काफ़ी करप्शन सा हो रहा है, उतना पार्टिसिपेशन नहीं है मेंबर्स का, ठीक है, उसमें मतलब घपला सा हो रहा है, इसीलिए फोकस किया जा रहा है। फोकस करने की बात कही जा रही है नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स में। नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स में क्यों फोकस करना है, क्योंकि ये इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं। इनका रोल क्या है, वन मेंबर वन वोट, यानी कि एक मेंबर से अगर एक वोट जाएगा तो यानी कि इस मेंबर की आवाज़ सुनी जाएगी, ठीक है, इस मेंबर का पार्टिसिपेशन इसमें रह पाएगा, इक्वल वॉइस हो पाएगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट, सो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स ऑफ पीपल ये लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्गर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फार्मर्स कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर किया जा रहा है इस एक्सपोर्ट बॉडी के द्वारा। सस्टेनेबल प्रैक्टिस यहाँ पे प्रमोट की जाती है, सच एज फेयर ट्रेड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो निचले स्तर पे काम करते हैं ना, उन्हें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम करना चाहिए, लाइक कोऑपरेटिव्स, ठीक है। एम्पावरिंग वर्कर एंड कंज्यूमर्स, अब ये ज़्यादातर जो नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स होती हैं ना, ये कंट्रोल की जाती हैं वर्कर्स के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि वर्कर का एम्पावरमेंट हो रहा है, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, और कंज्यूमर के राइट्स को देखा जा रहा है, उन्हें ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन रिसेंटली तो नहीं, मतलब शायद पिछले साल बनाई गई थी। इसका काम क्या है, मैंडेटेड टू प्रोवाइड अ सपोर्टिव पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट फॉर कोऑपरेटिव्स, सपोर्ट करना है कोऑपरेटिव्स को, रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना है मतलब उसमें कोई इलीगल कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, और उन्हें एक कुशन प्रोवाइड करना है, उन्हें सहारा देना है, ठीक है, कोऑपरेटिव्स को। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया था दो तीन दिन पहले। इसमें क्या है, फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, टैक्स एग्जेम्पशंस होगा, जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम्स होंगी, सब्सिडीज होगी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो लाइक अ कोऑपरेटिव, इसमें भी मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, और मार्केट की बार्गेनिंग पावर को भी हैंडल किया जाता है। स्कीम्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं, जैसे कि STSE वो लेके आए थे स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसके तहत हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स इन सब को बढ़ावा दिया जा रहा था। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इसमें क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो MSME एंड नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स ने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस की है, उसे खरीदना है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप कोऑपरेटिव्स पे आंसर लिखेंगे तो ये सारे स्कीम्स, ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले रखे हैं, ये आप लिखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये भी मैंने बताया था आप सबको कि किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसका नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस बढ़ेगा, राइट, और कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो पाएगा, पॉवर्टी रिड्यूस हो पाएगी। ऐसे आपको फ्लो चार्ट बना के नोट्स में नोट करना है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है, मिल्क कोऑपरेटिव, अमूल, ये भी एक कोऑपरेटिव की तरह इनिशियली पहले राइज हुआ था,
ठीक है, तो मिल्क कोऑपरेटिव तो हमारे इंडिया में एक सक्सेस है ही, ऐसे ही हमें और भी कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाना चाहिए। कोऑपरेटिव्स एज अ बिजनेस मॉडल परस्यूड एज अ बिजनेस मॉडल इन सेवरल एरियाज सच एज पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये बिजनेस मॉडल की तरह अगर काम करे कोऑपरेटिव्स तो कितना बेनिफिट होगा, राइट? कि कोई एक कोऑपरेटिव है जो वेयर हाउसिंग की सुविधाएं दे रहा है फार्मर्स को, पैकेजिंग की सुविधाएं दे रहा है, ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर असेंबल वाले तरीके से अगर की जाएं तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और ज़्यादा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स भी दिए जा सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना गवर्नमेंट का ये एक विज़न रहा ही है कि डिजिटल इंडिया रहेगा, भारत नेट, ई गवर्नेंस रहेगा, ठीक है, वो डिजिटल माध्यम से लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टार्टअप्स, अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रोइंग फॉर स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज विच कैन बी परस्यूड अंडर नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स। स्टार्टअप्स होती हैं वो स्टार्ट करने वाली यूनिट्स, छोटे छोटे बिजनेस जो अभी स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनके उत्थान के लिए भी, यानी कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर, जो फार्मिंग सेक्टर, एलाइड एक्टिविटीज़ पे अगर कोई स्टार्टअप है तो उसके भी उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी ट्रेंड, यानी कि मैंने वो बताया था फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स में क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उतना पार्टिसिपेशन नहीं है, वो होती है ना कुछ उदासीनता सी है, वो हटानी पड़ेगी टेक्नोलॉजी को, मतलब जो टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से, मतलब टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से। हेल्प अट्रैक्ट न्यू मेंबर्स एंड रिटेन एग्जिस्टिंग वंस, ये उसमें भी मदद करेगा। सर्विसेज को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड देयर सर्विसेज बियॉन्ड ट्रेडिशनल सेविंग्स एंड लोन्स टू इंक्लूड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जब होता है ना तो उसमें कोऑपरेटिव्स को भी शामिल किया जाता है कि कोऑपरेटिव्स के साथ ऐसा ना हो कि उन्हें लोन नहीं मिल रहा है, उन्हें फाइनेंस की कमी हो रही है, ठीक है, कोलैबोरेट करना है अदर कोऑपरेटिव्स के साथ, कोलैबोरेट विद अदर कोऑपरेटिव्स इंक्लूडिंग क्रेडिट यूनियंस टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन सब को शेयर करने के लिए और कोऑपरेटिव्स के साथ भी कोलैबोरेट करना है ताकि सारे कोऑपरेटिव्स एक दूसरे से सीखें और सब आगे बढ़ें, देश के विकास में योगदान दें। फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स जैसे कि क्रेडिट यूनियन हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रेडिट देने के लिए फार्मर्स को भी, जैसे कि फार्मर्स भी है ना, ये काफ़ी कोऑपरेटिव से भी लोन लिया जाता है, कुछ कोलेटरल रख के या बिना कोलेटरल रख के। पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे किससे, नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव से, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि नॉन फाइनेंशियल कोऑपरेटिव्स जो है वो कहीं पीछे ना छूट जाए। इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू हेल्प इस्टेब्लिश and grow non-financial cooperatives as well as promoting these organizations through public education outreach campaigns। campaigns के through cooperatives की जो सुविधाएँ हैं वो घर घर पहुँचानी होंगी, ठीक है, जो non-financial cooperatives के द्वारा produce किए गए goods and services उसकी सुविधाएँ घर घर पहुँचानी होंगी। पब्लिक को जागरूक करना होगा अबाउट कोऑपरेटिव्स, उनका योगदान। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति जाति अभ्युदय योजना शेड्यूल कास्ट के लिए, ओके, इसमें क्या है, तीन स्कीम्स को मर्ज करके, कौन कौन सी स्कीम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छत्रावास योजना, ठीक है, इन तीन स्कीम्स को मर्ज करके ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके एक न्यू स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसका बेसिकली एम क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, रोजगार देना, उनका कौशल बढ़ाना, उनकी इनकम जनरेट करना, सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उसे इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना उनके एरियाज़ में, जैसे कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट होते हैं ना वो थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, अगर वहाँ पे आप बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, लाइक पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ पे, हेल्थ सर्विसेज हो, कम्युनिटी वेलबींग सेंटर्स हो, मोहल्ला क्लिनिक्स हो, इन सबसे बेसिकली उनका उत्थान होगा। ये हम कैपिटल, अपने कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, राइट? और अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंट को इसी से हम रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि अगर इसे सही रास्ते पर नहीं लेके आए तो ये लायबिलिटी बन जाएगी देश के लिए, अपना यूथ। इसीलिए तो ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अभ्युदय मतलब होता है कि उत्थान हो जाना, उनकी पोजीशन को राइज कर देना, उनका स्टेटस राइज कर देना, ठीक है। और जिसके लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए मैटर करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023, ये इंडियन एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुई है। ये वन लाइनर करंट अफेयर के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा? बोथ साइड्स विल रीहोस एम्प्लॉयमेंट ऑफ ज्वाइंट फोर्स इन जंगल सेमी अर्बन एंड अर्बन इन्वायरमेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंस को शेयर किया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा और इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट किया जाएगा, ठीक है। ये दो आर्मीज के बीच, ये इंडियन आर्मी, ये मलेशियन आर्मी, इनके बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, जो एग्ज़ाम के दो दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।